ये देखिए हमारा नारियल का बुरादा हो गया टू टाइप का। तो ये अब हम देखते हैं हमने कैसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हो आप लोग काफ़ी तो खैर के साथ होंगे। आज हम नारियल का बुरादा बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने कच्चा नारियल लिया है, जिसे मैंने ये वाला पार्ट का छील लिया है। ये देखिए, तो ये हम बारीक बारीक काट लेंगे अभी। ये देखिए हमने बारीक चॉप कर लिया है, अब इसे हम पेस्ट बना लेंगे। अब इसके अंदर हम आधा प्याली पानी डाल देंगे। ऐसे बार बार हम थोड़ा रुक रुक के चलाएंगे, एक साथ नहीं चलाएंगे, क्योंकि एक साथ चलाने से ये थोड़ा मतलब हार्ड बनेंगे। रुक रुक चलाने से ना एकदम बारीक ये फाइन पेस्ट बन जाएगा हमारा। ये देखिए हमारा पेस्ट कितना अच्छा हो गया। अब इसको हम छान लेंगे कपड़े से रख के। आप इसका दूध का चाहे तो आप चिकन के सालन में, किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। खीर बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं। इसका जो दूध निकलेगा उसका चाहे तो आप मिल्क शेक भी बना सकते हैं। तो ये सब उसमें काम आ जाएगा। ये जो इसका बुरादा है, हम इसका बुरादा बना लेंगे। इससे पहले कपड़े से रख के छान लेंगे हम एक रुमाल से। ये देखिए हम इसे छान रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसका दूध निकल रहा है। ये देखिए हमने इसका दूध छान लिया है। और अब इसका हम बुरादा देखिए हमारा कितना अच्छा बना है। ये देखिए कितना बारीक है, क्योंकि हम इसे रोक रोक के मिक्सर चला रहे थे। बार बार एक ही बार में नहीं चलाएं, पर रुक रुक के चलाएंगे ना तो इतना ही फाइन बनेगा। अगर आप रेगुलर चलाते रहेंगे ना तो ये फाइन नहीं बनेगा आपका। आप ये दूध का चाहे मिल्क शेक बनाइए, चाहे मतलब खीर में डालिए, चाहे इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें। इस दूध को फेंकिएगा नहीं, आपके बच्चों को शक्कर डाल के इसमें खीर बना के दीजिएगा। खीर के चावल का खीर आता है, उसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे ना नारियल के, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। या तो इसका मिल्क शेक बना दीजिए, सब बहुत ही टेस्टी। इसका दूध फेंकिएगा नहीं, आप इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये देखिए हमें इसका दूध मिल गया है और इसका बुरादा भी देखिए हो गया है। तो आप इसका बुरादा फेंकिएगा नहीं, आप इसको ना मतलब बुरादा बना लीजिएगा नारियल का। आप इसका कोई भी मतलब सालन में किसी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई चीज़ सजाने में मीठे में इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल के लड्डू कवर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी रेसिपी मेरे मतलब बुरादे की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख के बना सकते हैं। आप इसे प्लीज़ मत फेंकिएगा, ये भी बहुत काम आता है। हम इसे कचरा समझ के फेंक तो देते हैं, लेकिन आप इसका बुरादा बना के इसकी बर्फ़ी बना सकते हैं, नारियल का लड्डू बना सकते हैं। इसी से ही बनता है सब कुछ, ये बुरादे का ही पूरा काम है। जब आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं ना तो बहुत महंगे मिलते हैं, आप इसे घर में ऐसे ही बना सकते हैं फ्री में। ये देखिए बुरादा हम दो टाइप का बनाएंगे, एक जो हम गैस पर बनाएंगे, एक जो हम पंखे और धूप में रख के बनाएंगे। तो ये अभी आधा हम गैस पर बना ले रहे हैं, जो हमारा 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। ये देखिए हम गैस पर रख रहे हैं, जो हम जल्दी से 5-10 मिनट में, क्या अगर बारिश हो रही हो और धूप ना हो या रात में ही हमें चाहिए, जल्दी इंस्टेंट चाहिए। तो ये अब हम एक कर रहे हैं और ये हम धूप में रखेंगे और थोड़ा पंखे के नीचे रखें। पंखे के नीचे रखेंगे तो आप दो दिन में आपका ये हो जाएगा। और गैस थोड़ा मीडियम रखिएगा आप, क्योंकि अगर आप फास्ट रखेंगे तो ये क्या जल जाएंगे और हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है। बस इसे थोड़ा इसका पानी हमें ड्राई करना है, ताकि इसका पानी की वजह से ख़राब ना हो और इसे हम स्टोर करके अच्छे से रख ले। इसे रेगुलर चलाते ही रहिएगा, देखिएगा और इसे प्लीज़ फास्ट पे मत करिएगा, नहीं इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपका बुरादा ना वो हो जाएगा, ख़राब दिखेगा। और इसलिए हम इसको रेगुलर चलाते रहेंगे, ताकि इसका कलर ना चेंज ना हो, ये वाइट की वाइट ही रहे। ये देखिए हमारा बुरादा कितना अच्छा हो गया, एकदम लाजवाब बना है। ये हमारा 5 मिनट में मीडियम आंच पे बन गया है, एकदम अच्छे से हो गया है। और ये दूसरा हम इसका बाद में हम दिखाएंगे, अभी ये हो गया। तो ये अभी हम गैस बंद कर दे रहे हैं अपने। ये देखिए नारियल का बुरादा हो गया हमारा टू टाइप का। ये हमने पैन वाला बनाया, जिसे 5 मिनट हमने शैलो करके फिर से हमने 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया। और ये हमारा 2 दिन से हमारा धूप में है। ये देखिए दोनों इक्वली ही बना है, लेकिन जब आप पैन में करते हैं तो 5 मिनट के लिए आप सोटे तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद
1 घंटे के लिए, चाहे तो धूप में चाहे तो पंखे के नीचे रख दीजिएगा, तो ये आपका 1 साल तक चलेगा, उससे ज़्यादा भी चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा, क्योंकि ना हम रोस्ट करते हैं ना उसके बावजूद ये थोड़ा सा गीला रहता है, तो आप इससे ना प्लीज़ 1 घंटे के लिए चाहे पंखे चाहे धूप में रखेगा, तो आप लोग प्लीज़ बनाइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि नारियल का बुरादा कैसा बना। तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। चलिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए हमारे नारियल का बुरादा हो गया दोनों स्टाइल में, तो आप लोग भी बनाएगा, मुझे कमेंट में बताएगा कैसा बना है।